बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज का हमारा लेक्चर है वो बोनस लेक्चर है प्रॉक्सी मार्केटिंग का। कोर्स इसका कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो यानी कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो ये यानी कि हमारा एक बोनस लेक्चर है, इसमें यानी कि हम बात करेंगे जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं न्यू मेम्बर्स के प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड। वो लोग जो PM प्रॉक्सी मार्केटर हैं, यानी कि अगर वो प्रॉक्सी मार्केटिंग करें तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, हम उनके ऊपर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें यानी कि ये है कि हमारे पास जो इनके क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये इनका क्वेश्चन होता है, क्या इज़ इट ईजी? तो देर इज़ नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। इट कैन बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट, बट वंस यू नो व्हाट स्ट्रेटजी टू यूज़ एंड विच प्लेटफॉर्म टू बिगिन विद, इट कैन गेट ईजी। ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप पुशिंग हार्ड, नॉट 24/7 बट एट द राइट आवर्स। तो यानी कि ये कहना कोई, यानी कि इसका कोई आंसर सिंपल आंसर नहीं है कि ये इजी है कि नहीं है। पहले पहले ये डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे, आपको पता है, हो चल जाएगा कि स्ट्रेटजी कौन सी है, प्लेटफॉर्म कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे ये स्टार्ट होता है, तो आप इजीली, आपके लिए यानी मुश्किल नहीं होगा। और ये यानी कि आपको 24/7 आवर्स देने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राइट यानी कि टाइम है इस चीज़ के लिए, तो आप ये इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक कॉमन यानी कि क्वेश्चन होता है एक न्यू प्रॉक्सी मार्केटिंग का, न्यू यानी कि जो प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं, वो कहते हैं हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फाइंड अ लीड, यानी कि लीड हम जैनी को बोलते हैं, बायर को बोलते हैं, कितना टाइम लगेगा। हाउ मच टाइम एवरी डे डू आई नीड टू गिव टू प्रॉक्सी मार्केटिंग। तो इसके लिए सिंपल ये है कि यू कैन फाइंड अ लीड इन 1 आवर्स, आप 1 घंटे में ही फाइंड कर सकते हो जैनीज को, और इट कैन टेक वीक और मंथ, एक वीक भी लग सकता है, मंथ भी लग सकता है आपका। देर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट, इट ऑल डिपेंड ऑन योर कमिटमेंट, योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर स्ट्रेटजी। तो ये आपकी कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कौन सी स्ट्रेटजी जो अप्लाई कर रही है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन स्पेंड एटलीस्ट 3 आवर्स और सम इवन स्पेंड 15-18 आवर्स अ डे, दैट्स डिपेंड ऑन हाउ मनी प्रोडक्ट्स एंड हाउ मच पेशेंस यू हैव। तो उसके बाद एक और चीज़ यानी कि ये होता है, शुड आई मेक अ फेक प्रोफाइल, क्या मैं मेक फेक प्रोफाइल बना सकता हूँ। वॉन्ट आई गेट इन ट्रबल और शुड आई यूज़ माई ओन प्रोफाइल। तो उसमें यह है कि देर नो सच थिंग्स एज फेक प्रोफाइल, बिल्ड अ प्रोफाइल अराउंड अ स्पेसिफिक कैटेगरी एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग पीपल ऑफ द सेम निश। आप एक यानी कि स्पेसिफिक कैटेगरी को चूज़ करके एक प्रोफाइल बनाते हो, फिर उसी निश में यानी कि पीपल्स लोगों को फॉलो करते हो। यू जस्ट हैव टू बिल्ड अ बिलीवेबल प्रोफाइल, आप एक ऐसी प्रोफाइल बनाते हो जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। स्टॉप थिंकिंग दैट इट इज़ फेक, आप ये स्टॉप थिंकिंग यानी कि सोचना बंद कर दें कि ये फेक है। इट इज़ बींग रन बाई अ रियल पर्सन, आप एक रियल यानी कि रन इट इज़ बींग रन बाई अ रियल पर्सन, इट कॉन्ट बी फेक। वट शुड आई डू फर्स्ट, मेक अ प्रोफाइल और कनेक्ट विद अ सेलर फर्स्ट, यानी कि मैं क्या पहले एक प्रोफाइल बनाऊँ या सेलर से जो है ना वो फर्स्ट यानी कि कनेक्ट करूँ। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आप सेलर के साथ कनेक्ट तब करते हो जब आप सीनियर हो जाते हो। मेक अ प्रोफाइल, फिल इट विद 20-30 पोस्ट एंड फॉलो एड सम पीपल्स, बट मेक श्योर इट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री लाइक UK, USA। डू नॉट फॉलो एवरी अकाउंट, इट शुड ऑलवेज बी कंट्री स्पेसिफिक। वंस डैट इज डन, कनेक्ट विद द सेलर्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग द सेम प्रोफाइल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक निश। बाई निश इट्स मीन्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आप यानी कि स्टार्ट पे जो है ना, आपको यही रिकमेंड किया जाता है, रिकमेंड करूँगा मैं भी, कि आपने PMM के साथ काम करना है। और मैंने आपको बताया है कि PMM कहाँ से आपको मिलने हैं, जो यानी कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, जो प्रॉक्सी मार्केटिंग का लास्ट लेक्चर है वो देखिएगा, वहाँ मैंने आपको बताया कि आपको PMM कहाँ से मिलने हैं। तो स्टार्ट पे आप उनके साथ काम करो, क्योंकि आपको हाउ नो नहीं होती सेलर के साथ बात करने की, सेलर स्कैम करके चले जाते हैं, तो आपका रिलेशन जो है ना, जो आपने जैनीज के साथ बिल्ड किया होता है वो ख़राब हो जाता है जब आप उनको रिफ़ंड नहीं कर पाते। तो उसके बाद एग्जांपल देते हैं हम लोग, यानी कि इफ़ इट इज़ मेकअप फॉलो पर्टिकुलर कंट्रीज एंड फॉलो देम, शेयर लाइक कमेंट ऑन देयर पोस्ट, आस्क क्वेश्चन एंड मे बी आंसर क्वेश्चंस। फिटनेस प्रोडक्ट, फॉलो पीपल हाउ आर इन टू वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजिंग यूजिंग फिटनेस प्रोडक्ट, प्रोटीन शेक्स, हर्बल टी, कीटो डाइट,
एटसेट्रा वगैरह। अगर आपके पास फिटनेस प्रोडक्ट है तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, इन पेज को फॉलो कर सकते हो। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड, एक्सरसाइजिंग से रिलेटेड है तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। फिर उनके जो उनको जो फॉलो किया हुआ, जिन लोगों ने आप उनको फॉलो करोगे वो आपको फॉलो बैक करेंगे। बींग विद अ लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग अराउंड डैट वन प्रोडक्ट थिंक्स हाउ वुड बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड वेयर विल यू फाइंड दीज पीपल्स। ठीक है, बाकी विच प्लेटफॉर्म शुड आई चूज, देर आर कॉमन पीपल एग्जैक्टली लाइक अस एंड दे आर एवरीवेयर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, बट यू हैव चूज वन। तो मीन्स कि लोग जो है ना हर प्लेटफॉर्म के ऊपर है, लेकिन आपको चूज जो करने हैं एक दो करने होते हैं। सम ऑफ दीज सोशल प्लेटफॉर्म हैव देयर लिमिटेशन सच एज ऑन ट्विटर्स यू कॉन्ट मैसेज एवरी वन, ओनली टू दोज हाउ फॉलो यू। इट इज़ बेस्ट टू टेस्ट ईच प्लेटफॉर्म, व्यू वीडियोज ऑन यूट्यूब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज प्लेटफॉर्म एंड हैव टू यूज दैम फॉर मार्केटिंग एंड फाइंडिंग लीड्स। आप इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखो यूट्यूब के ऊपर और देखो किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, प्लेटफॉर्म को। देर आर सो मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेस्ट एंड ट्राई वेयर एवर वर्क फॉर यू। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल होता है कि आई हैव मैसेज 20 पीपल, नॉट वन हैज़ रिस्पॉन्ड, वट शुड आई डू। देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई ईच लीड कॉस्ट 10 या 15 डॉलर। देखें, जब आप PMM के अंडर काम करते हैं तो ये जो कॉस्ट होती है ना, आपको $5 या $6 पर मिलती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलर से लिस्ट शीट लेते हो तो ये 10-15 डॉलर आपकी कमीशन होती है एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो इतना यानी कि ये कमीशन लेना कोई इजी नहीं है। अगर आप वो आपको 10-15 डॉलर दे रहा है तो मतलब कि टफ काम है। आप ये जहन में रखें कि अगर आप 100 पीपल को अप्रोच करते हैं ना, तो माइट बी टू कन्वर्ट इनटू लीड, यानी कि 100 में से 2 को आप रखें जहन में कि 2 कन्वर्ट हो गए लीड के अंदर। स्पेंडिंग 1 आवर एंड सेंडिंग 20 मैसेज इज़ नथिंग। 1 आवर स्पेंड करना और 20 मैसेज करना, ये कुछ ज़्यादा बात यानी कि कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। यू मे जस्ट गेट लकी वन डे बट नॉट एवरी टाइम। अगर ऐसा करने से मे बी आप एक दिन लकी हो जाओ, लेकिन हर दफ़ा नहीं होगे। कीप द रेशियो इन माइंड, 100 होंगे तो 1 लीड होनी चाहिए। यानी कि आप जेहन में रखें कि आपके पास आपने 100 को मैसेज किया, 100 को अप्रोच किया, आपको एक एक जो है ना वो लीड यानी कि कन्वर्ट होगी आपकी। एंड एट देन बिगेन योर वर्क विद पेशेंस एंड देयर राइट स्ट्रेटेजी। उसके बाद एक सवाल होता है, शुड आई मैसेज देम आफ्टर दे हैव सीन, शुड आई ट्राई टू कन्वेंस देम आफ्टर दे हैव रिजेक्ट माई ऑफर। तो यानी कि कह रहा है कि मैं उसे मैसेज कर सकता हूँ जब वो मेरे मैसेज को सीन कर ले या वो मुझे रिजेक्ट कर ले, मैं उसे कन्वेंस कर सकता हूँ। तो उसके लिए यू कैन ट्राई वंस, बट इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग डोंट मैसेज देम अगेन, इट्स अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। जब उसने इंटरेस्ट ही शो नहीं करवाया, उसने मैसेज सीन कर लिया आपका, आपको रिप्लाई नहीं किया या उसने रिजेक्ट ऑफर कर दिया, तो आपका बिल्कुल हक नहीं बनता कि आप उनको कन्वेंस करो, उनको दोबारा मैसेज करो। इट्स जस्ट अ कम वेस्ट ऑफ टाइम। ये चीज़ आपने याद रखनी है। होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये कॉमन क्वेश्चन है। आपको एक पूरा प्रॉक्सी मार्केटिंग का कोर्स जो है वो मिल गया है, आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सवाल होता है, कोई भी आपको परेशानी होती है प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप जो है ना मुझे जो है ना, एक तो आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपने ये फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करना है, यहाँ पे अपनी क्वेरी डालनी है। उसके अलावा अगर आपको अभी नहीं पता कि आपको PMM कहाँ से मिलेंगे और प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड जो ग्रुप है, जो सिर्फ प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो वो AMZ मार्केटिंग के नाम से ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, आप उसको ज्वाइन करें। आपको वहाँ से PMM जो है ना हज़ारों के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।